हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति नामक एक सीरीज आरंभ की है। यह सीरीज लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ साथ व्यापम, एसआई, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वह पटवारी हो या मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति जो सीरीज है, इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश में पुरातत्व उत्खनन और उससे संबंधित विभिन्न पुरास्थल या स्थल। इसमें हम, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसके अंतर्गत हम इसके उत्खननकर्ताओं के नाम बताएंगे, इसके अलावा यहाँ उत्खनन में क्या क्या वस्तुएँ प्राप्त हुई और उससे हमारा जो है मध्य प्रदेश का इतिहास कैसे समृद्ध हुआ उसकी हम जानकारी देंगे और दे रहे हैं। और इसी के अंतर्गत पिछली 8 जो है हमने स्थल बताए हैं, अब जो आगे स्थल हैं वो ध्यान से देखें आप। अब जो नंबर है वह है पवाया। पवाया को पद्म पवैया भी कहा गया, इसे पद्मावती भी कहा गया है। यह ग्वालियर के पास स्थित है, ग्वालियर के पास स्थित है। यह भितरवार और डबरा मार्ग पर है और सिंधु और पार्वती के संगम पर है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यह किसके संगम पर है? सिंधु और पार्वती नदियों के संगम पर है। वैसे तो ग्वालियर को भी पद्मावती कहा गया, लेकिन ये जो वास्तविक स्थल है पद्मावती, ये है भितरवार और डबरा मार्ग पर सिंधु और पार्वती के संगम स्थल पर है। इसके उत्खननकर्ता थे एमबी गर्दे। 1924-25 से लेकर 1940 तक इसका उत्खनन का जो नेतृत्व है एमबी गर्दे साहब ने किया था। ये उस समय ग्वालियर राज पुरातत्व विभाग में थे और इसी के तत्वाधान में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। अब थोड़ा पवैया से क्या क्या प्राप्त हो रहा है वो जान लें। पहला है भार्शिव नागवंश की राजधानी। भार्शिव नागवंश कौन थे ये हम आपको बताएंगे। भार्शिव नागों के बड़े पैमाने पर यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर जो धन के स्वामी धनपति कुबेर होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं यक्ष। यक्ष हैं एक मणिभद्र, उनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। थोड़ा सा भार्शिव नागों के बारे में जान लीजिए। भार्शिव नागवंश लगभग हमारे यहाँ दिखाई पड़ रहा है 150 या 170 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी के आसपास इनकी सत्ता रही है। भार्शिव नागों के बारे में समझे जरा। कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के पूर्व का काल भारतीय इतिहास में डार्क एज या अंधकार युग के नाम से जाना गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अंधकार युग है, क्योंकि इस काल में हमें जो हमारा जो इतिहास है वो तिमरा छिन्न है, अर्थात पूरी जो कड़ियां हैं वो मिल नहीं पा रही हैं ठीक से। और इस काल में कोई सार्वभौमिक सत्ता भी नहीं थी, सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। भारत विकेंद्रीकरण और विभाजन के दौर से गुजर रहा था। ये काल है कुषाण सत्ता का पतन हो चुका है और गुप्तों के उदय होने वाला, यानी कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के पूर्व का काल। कुषाण सत्ता को गंगा घाटी से भार्शिव नागवंश ने उखाड़ कर फेंका था। अब जरा समझ लीजिए, भार्शिव नाग इन्हें क्यों कहा गया? इनका वंशीय चिन्ह नाग था, वंशीय चिन्ह नाग था, और ये अपने कंधों पर शिवलिंग लेकर चलते थे, इसलिए ये भार्शिव कहलाए। इनके तीन प्रमुख केंद्र थे हमारे यहाँ। एक विदिशा में दिखाई पड़ रहा है, दूसरा है ग्वालियर, यानी ये पद्मावती क्षेत्र जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और तीसरा है मथुरा। इसके अलावा अहिछत्र जो बरेली रामनगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी हमें एक केंद्र दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो भार्शिव नागवंश है इसकी तीन राजधानी दिखाई पड़ रही हैं, विदिशा, पद्मावती और मथुरा क्षेत्र में। विदिशा में भार्शिव नागवंश की स्थापना वृषनाग ने की थी और वृषनाग के बाद भीमनाग जो थे उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा से हटाकर पद्मावती की थी। इनका मेन केंद्र ग्वालियर स्थित के, जो ग्वालियर के पास स्थित पद्मावती था। कुषाणों की सत्ता तो इन्होंने उखाड़ कर फेंकी थी गंगा घाटी और कुछ क्षेत्रों से मध्य प्रदेश में भी उखाड़ कर फेंकी थी इन्होंने, और गुप्तों को उनकी प्रारंभिक स्थिति में भी इन्होंने काफी मजबूती प्रदान की होगी।
और गुप्त शासकों ने ही इनके पतन किया था, क्योंकि हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में नागसेन और गणपति नाग का उल्लेख मिल रहा है। नागसेन एवं गणपति नाग का उल्लेख है इसमें। इन दोनों को समुद्रगुप्त ने ही इनकी उखाड़कर फेंक दिया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारसिम नागवंश का अंत किसने किया? गुप्त शासकों ने किया था। अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। गुप्तों के साथ इनके वैवाहिक संबंध भी थे। समुद्रगुप्त का जो पुत्र उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह भारसिम नाग कन्या कुबेर नाग से हुआ था, कुबेर नागा से हुआ था। और इस विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न कन्या का नाम था प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्ता उसका नाम था। और इसका विवाह बकाटक महाराज रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। और बकाटकों और गुप्तों की समृद्ध शक्ति से भारत में शक सत्ता का अंत हुआ था। तो कुल मिला के भारसिम नाग वंश का जो है इतिहास है बड़ा ही समृद्ध है, और एक बड़े क्षेत्र पर ये राज्य करते थे भारत में। काशी प्रसाद जायसवाल साहब ने इस भारसिम नागवंश का काफ़ी अध्ययन किया है, इस राजवंश के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित की है। भारसिम नागों के जो सिक्के हैं वो हमें पवाया यानी पद्मावती के और आसपास से दिखाई पड़ रहे हैं। यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा दिखाई पड़ रही है। यहाँ गुप्त काल का ही एक विष्णु मंदिर के अवशेष भी हमें मिल रहे हैं। गुप्तकालीन ये जो विष्णु मंदिर है ये खंडित हो चुका है, खंडर है अब। और मैंने आपको बताया था कि विष्णु जो है गुप्त काल में वैष्णव उनका राजकीय धर्म था गुप्त शासकों का, और मंदिर बनने की जो शुरुआत है वह गुप्त काल में दिखाई पड़ती है। यहाँ से एक खंडित ताड़ स्तंभ मिला है, एक ताड़ लंबा सा स्तंभ है इसलिए इसको ताड़ स्तंभ कहा गया है और ये खंडित अवस्था में है। इसके अलावा यहाँ से पुरुष आकृति का एक स्तंभ शीर्ष मिला है, इसमें पीठ से पीठ सटाएं दो पुरुषों की मुखाकृति है। और वर्तमान में ये ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में स्थित है। तो पद्मावती या पद्म पवैया के बारे में हमारी जानकारी यही है। इसके बाद हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं उज्जैन पर। उज्जैनी जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है, महाकालेश्वर की भूमि है, महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ जो उत्खनन करता थे वह दो दिखाई पड़ रहे हैं, एक हैं एम पी गर्दे साहब 1938-39 के आसपास इन्होंने किया है, और एन आर बनर्जी जी ने 1955 में किया है। अब यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है वह जान लें। आहत सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये जो है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आहत यानी पंचमार्ग सिक्के, इन्हें ठोक पीट कर आहत यानी आघात करके इनको बनाया गया था, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। और ये जो है सिक्कों का जो है जो शुरुआत है वह हमें छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी बौद्ध काल अर्थात महाजनपद काल में जाती है, इससे पता चलता है कि ये 600 ईसा पूर्व के सिक्के हैं। इसके अलावा यहाँ से वलयकूप जो रिंग वेल है वो दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ इन्हें ये जानकारी हमें मिलती है मौर्य काल के संबंध में, मौर्य शासकों के समय वलयकूप बने थे मौर्य काल में। यहाँ से जो 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के जो है काले उपदार उत्तरी भांड यानी उत्तर भारत में चलते हैं वह मिट्टी के बर्तन काले और चमकदार हैं, वह बड़े पैमाने पर मिले हैं। चौकोर परकोटा मिला, एक आकृति मिली है उसकी भग्नावशेष अवस्था में। ये भी यहाँ से तीन टेकरियाँ प्राप्त हो रही हैं, टेकरियाँ एक है वैश्य टेकरी, दूसरी है कुमार टेकरी और तीसरी है पल्ले वाली टेकरी। वैश्य टेकरी है यहाँ जब इसका उत्खनन किया, टेकरी यानी एक टीला, टीले को ही टेकरी कहा जाता है, और इस टीले का जब उत्खनन करवाया गया खुदाई करवाई गई तो यहाँ से एक विशाल स्तूप मिला, और वह स्तूप का व्यास था 350 फीट और ऊंचाई थी लगभग 100 फीट। कहते हैं कि इसका निर्माण जैसा कि इससे मिलता है सेट्टी धीता नामक वैश्य पुत्री ने करवाया था अशोक के शासन काल में। कुम्हार टेकरी मिली है, इसे कुमार टेकरी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब इसका उत्खनन किया गया तब बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन यानी मृदुभांड और
मिट्टी के सील और भी अन्य चीज़ें, अधिकतर चीज़ें मिट्टी के प्राप्त हुई। तो इससे ऐसा लगता है कि संभवतः ये कुम्हारों का ही कोई इलाका है या वहाँ उनका गोदाम वगैरह रहा होगा, इसलिए इसका नाम कुम्हार टेकरी पड़ा। पल्ले वाली टेकरी, जहाँ कंकड़ पत्थर की एक और टेकरी है उसे पल्ले वाली टेकरी कहा गया, ये प्राप्त होती है। यहाँ से लोहे के बाणाग्र और शूलाग्र, बाणाग्र यानी बाण का अगला हिस्सा, शूलाग्र यानी शूल का अगला हिस्सा, ये सब लोहे के बने होते हैं, ये प्राप्त हुए हैं। यहाँ से इंडो आयरन जाति का मानव कंकाल मिलता है और ये समय हमें बताता है कि वैदिक या ऋग्वैदिक काल में, खासकर उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर इंडो आयरन जाति की बसाहट होने लगी थी। उज्जैन का इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध है, भारत की प्रमुख नगरियों में इसका स्थान है, प्रमुख तीर्थ स्थलों में इसका स्थान है। उज्जैन का उत्खनन में हमें पाषाण काल के भी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से हमें ताम्र पाषाण काल के भी उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद थे, उनमें से दो महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। पहला तो चेदी है जो बुंदेलखंड में दिखाई पड़ रहा है हमें, और दूसरा है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद बेत्रवती यानी बेतवा नदी के कारण दो भागों बटा हुआ था, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती यानी आजकल का महेश्वर जो नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि अवंती महाजनपद एक बहुत ज़्यादा समृद्धशाली महाजनपद था। यहाँ के जो बुद्ध काल में राजा थे उनका नाम चंड प्रदोत मिलता है, जो अत्यंत क्रोधी और प्रचंड एकदम निष्ठुर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बाद में उज्जैनी में हमें विक्रमादित्य का शासन भी दिखाई पड़ता है, जो बहुत महान शासक थे। अब इसी के अंतर्गत हम आगे चर्चा कर रहे हैं, उज्जैन जो है शक महाक्षत्रप रुद्रदमन की राजधानी भी रहा और इसके शासनकाल में उज्जैनी संस्कृत साहित्य और कला धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो ये तो थी उज्जैन संबंधी जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं नागदा की। नागदा ये भी उज्जैन क्षेत्र में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे एन आर बनर्जी साहब, जिन्होंने उज्जैनी में उत्खनन कार्य किया, उन्होंने नागदा में भी उत्खनन कार्य किया। 1955-56 का समय है, ये दोनों उज्जैनी और नागदा में एक साथ ही उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। नागदा से हमें पाषाण एवं ताम्र पाषाणिक बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पाषाणकालीन जो उपकरण है वह भी प्राप्त हो रहे हैं और ताम्र पाषाणकालीन जो उपकरण है वह भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी आधार पर हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ, पाषाणकाल और ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ उस समय विद्यमान थी। तो अब हम इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में पुरातत्व उत्खनन के अंतर्गत अब त्रिपुरी और बेसनगर के बारे में हमें जानना है। त्रिपुरी जो जबलपुर का तेवर ग्राम है, वह कभी त्रिपुरी था। इसके उत्खननकर्ता जो है डॉक्टर एम जी दीक्षित थे, सबसे पहले 1952-53 में उन्होंने करवाया। उसके बाद एस डी सांकलिया महोदय ने 1965 के आसपास इसका उत्खनन कार्य संभाला। उसके बाद कृष्णदत्त वाजपेयी, के डी वाजपेयी साहब ने 1966 से 71 के बीच में इसका उत्खनन कार्य करवाया। तो जबलपुर का तेवर ग्राम वह त्रिपुरी है। अब यहाँ से पाषाणकाल, ताम्र पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक अर्थात राजपूत काल तक का हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, अवशेष मिल रहे हैं। राजपूत काल कब से है? 650 से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है, उसी को ही हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। पाषाण काल के जो उपकरण हैं वह भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से अस्थि अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। पाषाण काल के जैसे माइक्रोलिथ हैं, लघु यानी सूक्ष्म जो है लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा चापर, चौपिंग, टेबल और हैंडएक्स भी प्राप्त हो रहे हैं। ताम्र पाषाण काल की भी कई नदियाँ प्राप्त हुई हैं, तांबे के कई जो है उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर धातु
ताम और कांस्य वगैरह का जो है बड़े पैमाने पर उपकरण मिले हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इनका धातु उद्योग रहा होगा कोई। यहाँ मौर्य काल के बलेकूप भी दिखाई पड़ रहे हैं, रिंग बेल जिसे हम कहते हैं, शोषक गर्त जो नालियों में बीच बीच में लगाए गए थे जिनके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं वह भी प्राप्त हो रहे हैं। सातवाहन काल के तांबे और शीशे के सिक्के भी प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको जान लीजिए, मौर्यों की सत्ता शुंगों ने समाप्त की, शुंगों की सत्ता कण्वों ने, और कण्वों की सत्ता को सातवाहनों ने समाप्त किया, और सातवाहनों ने दक्षिण भारत में अर्थात महाराष्ट्र में, अगर हम कहें तो महाराष्ट्र में काफी लंबे समय तक शासन किया और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहनों ने तांबे के सिक्के भी चलवाए और शीशे के चलवाए, शीशे यानी लेड के सिक्के चलवाए। क्यों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शीशे के सिक्के किसने प्रचलन में लाए थे, तो सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्कों का प्रचलन इसलिए करवाया क्योंकि उस समय दक्षिण में चांदी की अनुपलब्धता थी, उपलब्ध नहीं थी चांदी उस समय, इसलिए उनको शीशे के सिक्के जारी करने पड़े। यहां से दो बौद्ध विहारों के अवशेष भी मिले हैं, छोटे हैं वो। इसके अलावा चेदी हिंद शासनी राजा महासेन एवं कलचुरियों के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। चेदी यही बुंदेलखंड के चेदी, हिंद शासनी जो है ये मौर्योत्तर काल में हमें ईरान में दिखाई पड़ता है, ये राजवंश ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और कुछ हिस्सा इसका भारत के पश्चिमोत्तर में दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने त्रिपुरी में शासन किया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, संभवतः ऐसा लगता है कि हिंद शासनी के जो सिक्के हैं वह व्यापारिक प्रसंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए होंगे। राजा महासेन 385 ईस्वी के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, इसके सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। राजा महासेन को कुछ विद्वान बोधि शासकों का मानते हैं, बोधि शासक से संबंधित मानते हैं, और कुछ इस पर अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हकीकत में इसकी जानकारी नहीं है कि राजा जो महासेन का जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये राजा महासेन किस राजवंश से संबंधित था। कलचुरियों के सिक्के भी मिलते हैं, ये बोधि शासक जो थे इनके बारे में जरा जान लीजिए। बोधि शासकों के ठप्पे यानी सील मिली हैं मृण यानी मिट्टी की। बोधि शासकों ने लगभग मौर्योत्तर काल में ही लगभग 200 से 300 ईस्वी के आसपास शासन किया था इस क्षेत्र पर, यानी त्रिपुरी में इनका शासन था। और लगभग चार जो बोधि शासकों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे श्री बोधि, बशु बोधि, श्री बोधि, बशु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, शिव बोधि, ये चार पांच जो हैं इनके हमें दिखाई पड़ रहे हैं कुछ सील सिक्के। तो बोधि शासकों ने जो है यहाँ पर भी शासन किया, ये हमें याद रखना है। स्वास्थ्य यानी साथिया का चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। मातृ देवी यानी धरती माता की जो है यहाँ हमें मूर्ति दिखाई पड़ रही है, जो हमें सिंधु सभ्यता की काल की याद दिला रही है। गरुड़ की आकृति है जो दो नागों को पकड़े हुए हैं, उसकी आकृति में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा त्रिपुर सुंदर सुंदरी मंदिर भी हमें, इसके अवशेष भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। इसके संस्थापक थे लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण कलचुरी चेदी राजवंश के एक महान शासक थे, और लक्ष्मीकर्ण का जो समय है वह लगभग 1040 से 1071 ईस्वी के आसपास, तो उन्होंने इसकी स्थापना की। त्रिपुर सुंदरी दुर्गा देवी की एक विशाल मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, और यहाँ देवी की तीन मुखा आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं, सरस्वती के रूप में, काली और दुर्गा, ये तीन जो हैं मुख बने हैं त्रिपुर सुंदरी के, जिसके संस्थापक हैं लक्ष्मीकर्ण। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए इसे हमें याद रखना है। यहाँ से गणेश जी की प्रतिमा भी प्राप्त हो रही है, और महिषासुर मर्दिनी जो है प्रतिमाएं भी दिख रही हैं, अर्थात दुर्गा की प्रतिमाएं भी यहाँ से मिल रही हैं। इसके अलावा त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ मिल रहा है, और गजलक्ष्मी, गज पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति मिल रही हैं। पुराणों एवं महाभारत में भी
जो है त्रिपुरी का काफी उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार पौराणिक आख्यानों के अनुसार अगर हम इस पर विश्वास करें तो इसकी जो है जानकारी हमें पौराणिक से ही मिलती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह है ताड़कासुर, मायासुर और बिंदुमाली नामक तीन राक्षसों की राजधानी रहा है त्रिपुरी, जिसका अंत शिव ने किया, इसलिए शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। शिव ने इसका अंत कर दिया। इसके अलावा महाभारत में भी हमें त्रिपुरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के में यहाँ के जो एक राजा मिल रहे हैं त्रिपुरी के, उनका नाम है अमितोजस नाम मिलता है, जिसे सहदेव, पांडवों में से एक सहदेव ने पराजित किया था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये कलचुरी चेदी राजवंश की राजधानी रही है त्रिपुरी। थोड़ा सा कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में जान लीजिए। चेदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेदी जो महाजनपद है ये लगभग 600 ईसा पूर्व था ये। और चेदी जो है बुंदेलखंड में दिखाई पड़ता है, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। चेदियों ने महिष्मती यानी आज के महेश्वर पर भी अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने त्रिपुरी को भी अपने अधीन कर लिया था। महिष्मती के जो चेदी हैं इन्हीं को ही आगे चलकर कलचुरी कहा गया, कलचुरी चेदी राजवंश। महिष्मती के जो चेदी हैं, कलचुरी चेदी हैं, इस वंश का संस्थापक था कृष्णराज और ये समय लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी यानी 600 ईस्वी में के आसपास ये हुआ है। उसके बाद करीब 100-150 वर्ष तक यहाँ पर इनका महिष्मती में राज्य रहा। आगे चलकर इस क्षेत्र पर बातापी के चालुक्यों का अधिकार हो गया और इन्हें महिष्मती छोड़नी पड़ी और ये आगे चलकर हम देखते हैं 8वीं शताब्दी के आसपास हमें त्रिपुरी में दिखाई पड़ रहे हैं। त्रिपुरी यानी जबलपुर क्षेत्र में आ गए हैं ये, और ये डहल मंडल भी कहा जाता है। डहल मंडल और यहाँ जो त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक था कोक्कल। कोक्कल था। अब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरी आधुनिक जबलपुर का बीज है, उसका जो है जबलपुर की जो सांस्कृतिक केंद्र है, उसका जो धार्मिक केंद्र है और जो उसकी जो जड़ें हैं वह त्रिपुरी में ही दिखाई पड़ती हैं। यही कारण है कि जब कांग्रेस का 1939 में जो अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, उसे जबलपुर अधिवेशन ना कहकर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कहा गया, क्योंकि त्रिपुरी जबलपुर को उसकी जड़ों से जोड़ता है। तो ये त्रिपुरी के बारे में जानकारी है। और इसके अलावा जो मुख्य जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो हमने इसकी जानकारी दे दी है। अब हम पढ़ रहे हैं बेशनगर। बेशनगर यानी ये विदिशा में स्थित है और इसका उत्खनन जो कार्य किया H.H. लेख ने किया 1910 के आसपास, फिर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने, जो बहुत प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट माने गए हैं, वो इन्होंने 1913-14 के आसपास इसका उत्खनन कार्य करवाया। इसके बाद M.D. खरे साहब ने भी इसके उत्खनन कार्य में अपना योगदान दिया। बेशनगर के बारे में जान लीजिए। ताम्रपाषाण काल से लेकर राजपूत काल तक यानी पूर्व मध्य काल तक हमें यहाँ से जो है इसके चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। इतने कालों के ताम्रपाषाण काल के यानी यहाँ तांबे के उपकरण कई प्राप्त हुए हैं, जो हमें ताम्रपाषाण काल यानी 5000 ईसा पूर्व इसको ले जा रहा है बेशनगर को। इसके अलावा पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हो रहे हैं। पंचमार्क जो सिक्के हैं उनको हम आहत सिक्के भी कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं। ये जो है बेशनगर को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ले जा रहा है। बौद्ध स्तूप यहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। नगर रक्षा दीवार के अवशेष यानी खंडर प्राप्त हुए हैं, संभवतः ये नगर की रक्षा के लिए जो है एक बड़ी दीवार थी जो बाहरी जानवरों से या आक्रमणकारियों से इस नगर की रक्षा करते हुए। मौर्य काल के बलय कूप हमें यहाँ से भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा
यहाँ से शुंग वंश के, सातवाहन वंश के, शकों के, कुषाणों के और भार्शव नाग वंश के और कलचुरियों के सिक्के भी दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पता चलता है इन राजवंशों ने समय समय पर इन क्षेत्रों पर विशनगर यानी विदिशा में शासन किया था। भागवत धर्म का ये प्रसिद्ध केंद्र शुंग वंश के शासन काल में इसका महत्व बढ़ा। शुंग वंश जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और उसी के पुत्र जो हुए अग्निमित्र विदिशा के यानी इस क्षेत्र के राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में सांची बौद्ध धर्म के का एक प्रमुख केंद्र बना, ठीक उसी तरह से शुंग काल में बेसनगर भागवत धर्म का केंद्र बनकर उभरा। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने जो दो अश्वमेध करवाए उनमें से एक यहीं पर संपन्न हुआ। धनदेव के अयोध्या लेख में, धनदेव जो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को दुरा अश्वमेध याजन यानी दो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा गया है। इनमें से एक इसने पाटलिपुत्र में कराया और दूसरा विदिशा यानी इसी क्षेत्र में संपन्न कराया था। और यहाँ जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उसके पुरोहित थे महर्षि पतंजलि इसके पुरोहित हुए। और यहाँ जो एक और प्रमुख चीज मिली है बीसनगर से उत्खनन में वह है हेलियोडोरस का गौण स्तंभ। इसकी खोज 1877 के आसपास कनिंगम जो एक बहुत प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे हमें, उन्होंने इसकी खोज की। और हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के यवन शासक एंटियोल किड्स का राजदूत था। यह तक्षशिला के निवासी पिथोन का पुत्र था। पिथोन एक इसके पिता का नाम क्या मिलता है, पिथोन, किसके, हेलियोडोरस के। और ये जो है एंटियोल किड्स का राजदूत बनकर विदिशा आया और इसने विदिशा में जो भागवद्र जो शुंग वंश के नौवे शासक थे उसके दरबार में आया विदिशा में और इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पर गरुण स्तंभ की स्थापना की जिसे हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ भी कहा जाता है। इसी को खम्बा बाबा भी कहा जाता है। इसमें एक विशाल जो है बड़ा लंबा खंबा है पाषाण का और उस पर गरुण का जो है उत्कीर्ण किया गया है। और ये जो गरुण जो है विष्णु का वाहन है, इसलिए कह सकते हैं कि ये भागवत धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसी गरुण स्तंभ के ठीक सामने उसने वहाँ वैष्णव यानी विष्णु का मंदिर भी था जो भग्न अवशेष अवस्था में थोड़ा बहुत प्राप्त हो रहा है। हेलियोडोरस के गण स्तंभ में लिखा हुआ है कि तीन अमर साधनों के द्वारा स्वर्ग जाया जा सकता है, स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। वे हैं आत्म संयम, त्याग और सतर्कता इत्यादि। तो ये जानकारी हमें बेसनगर से प्राप्त हो रही है और इसी से पता चलता है कि अब विदेशियों ने भारतीय धर्म दर्शन को ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने हमारे धर्म स्वीकार करना आरंभ कर दिए थे। और इसी के तहत जिस तरीके से मेनांडर ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया उस तरीके से हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और वहाँ भागवत धर्म का एक जो है स्तंभ जिसे हम गरुण स्तंभ भी कह सकते हैं वह स्थापित किया। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।